Hi Raghav. हेलो सर। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने एक प्रॉब्लम भेजी रिसेंटली मेरे को आज ही। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में है एक एफ एक्स एक फंक्शन है इन 0 to 5 such that f square x is 1 for all x belongs to 0 to 5 for a closed interval hai dhyan rakhna hai so yahan se ek cheez seedhe conclude kar sakte that f of x will be equal to plus minus 1 theek hai so function ki do hi values ho sakti hai har ek point pe either plus 1 or minus 1 minus 1 so fx is discontinuous only at all integer points 0 comma 5 theek hai तो चलो मेरे को पहले ऐसा कुछ फंक्शन बना के बता सकते हो बॉक्स ऑफ एक्स बॉक्स ऑफ एक्स भी ले सकते हो वो भी एक पॉसिबिलिटी है मान लो ये मेरा फंक्शन एक्स एंड वाई एक्सिस है और ये अपना हो गया ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 बॉक्स ऑफ एक्स तो मैं नहीं मान सकता ना कि बॉक्स ऑफ एक्स तो हर एक पॉइंट पे तो प्लस माइनस ही देगा ना टू से आगे निकलने के बाद तो टू देने लग जाएगा तो ऐसे कोई रैंडम फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लो जो डिस्कंटीन्यूअस दिखाना मतलब अपने को ग्राफ को ब्रेक करना इंटीजर पॉइंट्स पे और ये देखना है क्लोज इंटरवल में डिस्कंटिन्यूटी की बात कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ 0 पे भी डिस्कंटीन्यूअस है और 5 पे भी डिस्कंटीन्यूअस तो मान लो तुमने 0 पे कोई भी वैल्यू असाइन कर दो कौन सी वैल्यू असाइन करोगे टू कर सकते हो क्या सारे एक्स पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल जो भी इस इंटरवल में है उन सब पे प्लस और माइनस 1 ही डाल सकते हो तुम ठीक है तो 0 पे मान लो तुमने प्लस 1 डाल दिया तो आगे ग्राफ कैसा बनेगा आगे फिर माइनस 1 पे जाएगा और ओपन करना पड़ेगा इसको और यहाँ पे लेके आगे में ठीक है अब तुम चाहो तो यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो ओपन भी कर सकते हो फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस बनाना है मैं तुमसे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ग्राफ डिमांड कर रहा हूँ पूरा मेथड में तो 1 पे क्या रख सकते हो ओपन या क्लोज कुछ भी रख दो क्या रखोगे क्लोज रख दिया ठीक है तो आगे ग्राफ अब ऊपर जाएगा ओपन आगे 2 पे फिर क्लोज कर सकते हो फिर नीचे आ गया ठीक है मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं आगे इसको ऐसे कैसे लेके चला जाऊं और यहां पे ऐसे दिखा दूं अभी तो डिस्कंटीन्यूअस ही है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट वो फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है और आगे मैंने इसको ऐसे दिखा दिया ठीक है यहां पे अब ओपन ही करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है ये 5 तो ये एक तरह का ग्राफ है जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा ठीक है तो इसमें तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है 0 पे डिस्कंटिन्यूटी दिखानी है दो कैटेगरी के पॉइंट्स बोल देता हूं एक तो बाउंड्री पॉइंट्स ठीक है तो मेरे पास बाउंड्री पॉइंट्स है और दूसरे बीच वाले पॉइंट्स इंटरमीडिएट पॉइंट्स बोल सकता हूँ ठीक है तो तुम सबसे पहले ये बताओ 0 के ऊपर डिस्कंटिन्यूटी बनानी है कितने तरीके से बना सकते हो 1 2 3 0 के ऊपर डिस्कंटिन्यूटी कितने तरीके से बना सकते हो या तो 0 पे वैल्यू 1 असाइन करोगे तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा या फिर 0 पे वैल्यू -1 असाइन करोगे -1 या 0 -1 असाइन करोगे तो ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा ऊपर से स्टार्ट होगा इस टाइप से तो 0 के लिए कितने केस है मेरे पास 2 कोई दिक्कत अच्छा ठीक है आइदर यू कैन मेक एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और आगे का ग्राफ फिर -1 से स्टार्ट करो या फिर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 ठीक है आगे का ग्राफ तुम +1 से स्टार्ट करो
और आगे वाले पॉइंट्स भी देखते हैं, आईएमपी पे देखते हैं। सपोज करो तुम्हें वन पे बनानी है, ठीक है, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी बना के बता देखते हम। मान लो तुमने जीरो पे स्टार्ट किया, कहीं से भी लेके चले गए जीरो पे, मान लो ये किया और यहाँ पे आ गए, आगे लेके आ गए। वन पे डिसकंटिन्यूटी दिखाने के कितने तरीके हैं? एक तरीका तो ये है वन पे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जीरो पे तुमने वन दिखाया हुआ है, आगे माइनस। एक तरीका और, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यहाँ पे ओपन रखूं, ऊपर क्लोज करके आगे निकाल दूं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, सोच सकते हो किस टाइप की सिचुएशन? यहाँ पे भी ओपन और आगे इसको एज इट इज कंटिन्यू करवा दिया और फंक्शन की वैल्यू ऊपर डाल दी, कोई दिक्कत? अच्छा ऊपर वन, ठीक है। नहीं सर, और कोई तरीका? मैं अगर यहाँ पे क्लोज करता तो यही पॉसिबिलिटी है, ओपन करता हूँ यहाँ पे तो ग्राफ ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। ठीक है, मैं इससे ये क्लेम कर सकता हूँ कि हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए, जीरो के लिए कितने केस हो गए? दो। वन के लिए तीन, दो के लिए अच्छा, भी सिमिलरली तीन ही होंगे, तीन, तीन के लिए भी तीन और चार के लिए भी तीन और पांच के लिए, इसके लिए फिर दो, एक ही रहेगा। कैसे? अच्छा वो पीछे से आगे से, हाँ पीछे से आएगी तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर पीछे से लाइन अगर ऐसे आ रही है, नीचे से आ रही है तो ऊपर ऊपर वैल्यू दे दूंगा, ऊपर से आ रही है की तरफ। तो एज सून एज यू फिक्स द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर फोर, फाइव के लिए ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 2 into 3 into 3 into 3 into 1 which is 162, ठीक है।